अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शेख, आप देख रहे हैं केम अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्र अभी मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ आने के बाद मुझे गुजरात के पालनपुर की कुछ मुसलमान भाई याद आए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। आज भी आपको 1400 साल पहले इस्लाम कैसा था वो चीज़ें जाननी हो तो आप पालनपुर के सिद्धपुर है, बनासकांठा है, खेरालू के आसपास से कई गाँव है, मैं खुद गया हूँ, आप वहाँ जाओगे तो आपको ये एहसास होगा कि पर्दा किस तरह का होता है। और आज भी वहाँ पर सुन्नत तरीके से ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। 5 साल का बच्चा हाफिज़ है, 6 साल 8 साल के बच्चे हाफिज़ है वहाँ पर। आपको पूरा गांव मस्जिद में मिलेगा, छोटा सा बच्चा तक कि वहाँ पर आप जाओगे। तो मैं तो सभी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो हिंदुस्तान में हैं कि एक बार आप गुजरात के इस विस्तार में जाओ, आपकी जान पहचान हो के ना हो, आप उस गाँव में जाओगे, आपकी वो खिदमत की जाएगी कि आप मेहमान हो, मेहमान का क्या हक है। और कुछ लोग पूछते हैं मेरी वीडियो और मौलीपुरी आसिफ की वीडियो अलग अलग क्यों आती है। तो एक्चुअली मैं अभी ताइफ में रहना है मेरा सालों से, और मौली आसिफ अहमदाबाद में तलबाओं को पढ़ा के खिदमत कर रहे हैं, तो इसलिए वो गुजरात के जितने भी एतराफ़ के जितने भी वली अल्लाह है उनके वीडियो पे बना के उनकी जानकारी दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर जो सऊदी में जो भी चीज़ें हैं इस्लामिक, जैसे बीबी हलीमा का घर, नबी का बचपन का, वो सब वीडियो मैंने बना के डाली है, और भी बाकी है वो मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा जो भी हमारे भाई है चैनल पे, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार दें, ताकि हम दो मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही दीन की जानकारी आपको देते रहें। और मौली मकबूल है हमारे, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद किया है, वो भी दीन की खिदमत अच्छी बजा रहे। आप गुजरात में कहीं पे भी जाओगे, ये अपना घर बार छोड़ के, ये कौम के लोग हैं मुसलमान का ये तबका, अपना घर बार छोड़ के बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, अपने घर को छोड़ के। जैसे अभी मौली आसिफ है ये अहमदाबाद में खिदमत दे रहे हैं, मौली मकबूल है, मौली ताहा है, तो ये सबसे मिलो, ये आपको बताएंगे किस तरह से आपको पूरी सुन्नत पे इनकी ज़िंदगी आपको एक, मैं नहीं कहता वही सेम टू सेम है, बट आपको एक तजुर्बा मिलेगा 1400 साल पहले दीन कैसा था। एक बार इनके गाँव जाके आओ, बहुत पैसा इनके पास, पर इनके घर देखोगे तो आज भी वैसे है, पर इनके मस्जिदें देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है। तो बस मुझे आपसे यही कहना था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन